मैं अक्सर सोचता हूँ कि अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है ना हमसे। क्या आपने इस बात पे कभी गौर किया है? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है और वो अपने बंदे को कितने प्यार से पुकारता है? वो नहीं देखता कि उसे पुकारने वाला उसके अंबिया, रसूल, आलिमीन, औलिया या फिर उसका महबूब आलम है। वो बस पुकार सुनता है और जवाब से भी पहले नवाज देता है। अपने बंदे की पुकार का मुंतजर वो रब ये नहीं बोलता कि मैं सिर्फ अपने नेक बंदों या मुसलमानों की सुनता हूँ और इनको ही अता करता हूँ। वो रहमान अल्लाह हर जात पात रंग नस्ल नेक गुनाहगार हर चीज़ से बालातर होकर सिर्फ पुकार सुनता है। अल्लाह इंतहाई खूबसूरत अंदाज से फरमाता है, और जब मेरे बंदे तुझसे मेरे मुतलक सवाल करें तो यकीनन मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ का जवाब देता हूँ। और मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको ना मांगने का हक दे दिया गया है, जिसमें यकीन कामिल शर्त लाजिम रख दी गई है। बिला झिझक मांगते रहें और बेहद मांगें और मांगते ही चले जाएं, क्योंकि आप जिस जात से मांग रहे हो ना, वो सिर्फ देना चाहती है, क्योंकि वो अल रहीम है और अता करना उसकी सबसे बेहतरीन सिफत है। और वो देते हुए ये नहीं सोचता कि तुम कौन हो, वो सिर्फ पुकार सुनता है, वो सिर्फ अंदाज देखता है। तुम्हें बस मांगना है और मांगते ही जाना है।